आज आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आज के लेक्चर का बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आप सब ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर थ्री थी कॉस टू द पावर कॉस क्यू थीटा देन फाइंड कॉट सिक्स थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज आपको फाइंड करने हैं। देन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान देना। ओके, किसी बच्चे से बनेगा तो बताओ जल्दी से जल्दी। आज का जो लेक्चर रहेगा बेटा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने में लाऊंगा। ठीक है, आप सब इससे को ध्यान से करना। ओके, देखिए ध्यान से, इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। ये आपका इसका आंसर क्या लाए, सॉल्यूशन लिखे, यहां से गिवन लिखना स्टार्ट किए बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर क्यूब थीटा। मैं क्या करता हूं ध्यान देना, मैं बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। साइन थीटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर कॉस क्यू थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। देखो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, आप ध्यान देना अच्छे बच्चे की तरह, यहां से ये साइन, अब देखो इसे इस साइड बुला लो, वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, इसे इस साइड बुला लो क्योंकि हमें कॉट चाहिए, तो यहां से कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा हो चुका है। यहां पर क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा किया, इंग्लिश में बेटा लिख लेना। ठीक है, तो यहां से क्या मिला हमें, ये कॉस थीटा और ये मिला कॉट टू द पावर थ्री थीटा मिल चुका है। इसे इक्वेशन नंबर वन माने, अब जो दिया हुआ है इसे बुला ले बेटा नाउ। ठीक है, ये क्या है मेरा, कॉट टू द पावर सिक्स थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देख ध्यान से, इसे मैं ऐसे लिख दूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉट स्क्वायर थीटा पर पावर कॉट क्यू थीटा पर का स्क्वायर, कैसे, एक्सपोनेंट का रूल है ना, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एम इंटू एन होता है बेटा, तो यहां पर वही चीज मैंने लगाया और यहां पर क्या मिल गया हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले देखो मैं कॉसेक थीटा लिख सकता हूं, इसके कॉट क्यू थीटा की जगह पर कॉसेक थीटा यहां लिख दूं मैं, कॉट सिक्स थीटा को ऐसे तोड़ा मैंने, क्यों ऐसे तोड़ सकते हैं ना बेटा, ये है अपना, यहां पर देखो ध्यान से, कॉट सिक्स था, कॉट सिक्स थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉट, ठीक है ना, कॉट ये ऐसे, ये दिमाग में रखना बेटा, ठीक है ना। ओके, तो यहां से देखो यहां पर क्या आ गया, कॉसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, आंसर इज अ वन। आप नोट करें बेटा, फर्स्ट आंसर क्या मिल गया बेटा आपका, वन। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक, कौन कौन से बच्चे आए हो देख लूं मैं सबका अटेंडेंस, कौन कौन आए हो बेटा, आज भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। ओके, आज बहुत सारे बच्चे बेटा एब्सेंट हैं, आज फर्स्ट टाइम बेटा आप ऑनलाइन आए हो, खुशी देसाई आप फर्स्ट टाइम बेटा ऑनलाइन हमको हमें देखे दिखे हो लाइव क्लास में बेटा, आप रिकॉर्डिंग देखते हो हमें पता है। ठीक है बेटा, आप फर्स्ट टाइम हमें दिख रहे हो आज, आज भी बच्चे पूरे के पूरे नहीं आए हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ लेकर चल रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर टू देखें ध्यान से, आज का क्वेश्चन नंबर टू ये है मेरा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन पर पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन, देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर फोर थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का वैल्यू हमें फाइंड करना है, सेकेंड नंबर
क्वेश्चन नंबर सेकेंड का वैल्यू हमें फाइंड करना है बेटा, ठीक है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप बनाए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है अपना, जो लेट आया है वो बेटा उसका छूट चुका है। क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ चुका है। देखें ध्यान से, आपने ट्रिग्नोमेट्री का 11 लेक्चर यूट्यूब पर देखे होंगे बेटा, बट यहाँ थोड़ा सा मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको फोकस करना, ठीक है। थोड़ा सा आप ये हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं चलना चाहिए सर हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन करना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन टू दी पावर फोर थीटा इज इक्वल टू वन, देन फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर फोर थीटा। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर लाने का कोशिश करें बेटा फास्ट। आज हम क्वेश्चन करेंगे बेटा लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में मैं 150 क्वेश्चन करवाऊंगा, और एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके आपके एप्लीकेशन पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा इसी वीक, ये जो नेक्स्ट अपने आने वाला जो वीक है उस पर ट्रिग्नोमेट्री का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन पर रहेगा, आपके एप्लीकेशन पर रहेगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर टू बनाइए, अभी तक आंसर आया नहीं है बेटा आप सबका, अभी तक आंसर किसी का भी नहीं आया है बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं कितना आएगा। कुछ बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री बहुत आता है तो थोड़ा देखें बेटा कि कितने को आता है रियल में, फास्ट आंसर जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें। नहीं आया है अभी तक आंसर, ठीक है, चलें आगे। क्या बेटा आंसर लाऊं मैं, ध्यान देना इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम, सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन जो गिवन है मेरा वो लिख लें, देखें ध्यान से। इसके बाद एक ऐसा लेक्चर लूंगा, ऐसे तीन लेक्चर लूंगा जिसमें शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट कम टाइम में बना सकते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा भी लेक्चर आपको मिलेगा बेटा मैथ्स में। टेन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन लिया तो यहां पर इनके परिवार में वन बचा, इनके परिवार में क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखें ध्यान से, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, ये किसके बराबर है बेटा, ये हो गया मेरा, ध्यान देना, ये टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर इज इक्वल टू वन। तो यहां से चमत्कार होने वाला है, देखें टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से देखें बेटा, ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे में बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से एक और काम कर सकता हूं, ध्यान देना, एक काम और कर सकता हूं, इसे मैं चेंज कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो गया, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस टू दी पावर फोर थीटा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो गया, कॉस टू दी पावर फोर थीटा। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं इनको बुलाता हूं सम्मान से कि आ जाइए आप जल्दी से जल्दी। तो यहां से ये क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू दी पावर फोर थीटा, ध्यान देना। अब यहां इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर कितना आया, वन आया। यहां पर मैं लिख लूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। स्पीड बन आपका मेंटेन रखूंगा बेटा आज मैं, ध्यान से, ठीक है, मैं स्लो स्पीड में बेटा आज नहीं पढ़ाऊंगा, स्पीड से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत पढ़े हो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं थ्री, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थ्री, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बेटा थ्री, थ्री का देखें कहानी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थ्री की कहानी हम देखते हैं, तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की कहानी क्या है, हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, यानी आपका आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ, फिर से दे रहा हूं, तैयार होना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू द 1, फाइंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा, इसका आंसर लाना है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इस टाइप से आपको आंसर लाना है, जल्दी से जल्दी लाने का कष्ट करें आप सब प्लीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने लिखा, आंसर बच्चे बोले 1। आपको लग रहा होगा हर क्वेश्चन का आंसर 1 ही आ रहा है, चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 बोलने में ही फायदा है, ठीक है, ऐसे दिमाग मत लगाइए, लॉजिकल आंसर लाइए, तब मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप स्ट्रांग कर लेते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग करते हैं बेटा, अगले क्लास में आपका बेटा 11th क्लास में जो पीसीएम लोगे या पीसीबी लोगे बेटा, फिजिक्स आपका स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बेटा, ठीक है। 10th क्लास में स्कोरिंग, तो अभी टाइम है स्कोरिंग करने के लिए बेटा, ठीक है ना, बट हमें डिटेल में पढ़ लीजिए इसे, क्योंकि 11th क्लास में जैसे जाओगे इंटर करोगे बेटा, आप पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लो, आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री से भागे मत आप, ठीक है। मैं आपको जितना डीप में पढ़ा सकता हूं बेटा उतना पढ़ा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा, तो थोड़ा सा फोकस करें इस आंसर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखें ध्यान से बेटा आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन देखें ध्यान से। यहां से ये क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा और साइन टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू द 1, देन यहां से हम क्या करेंगे, साइन पर पावर 4 थीटा और ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से ये क्या बना, साइन पर पावर 4 थीटा और ये बन गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से मेरा इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट बन चुका है। अब हम इनको भुलाने, अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूं यहां पर मैं क्या करूं, सोचो ध्यान से आप, अगर मैं यहां पर बोथ साइड कॉस टू द पावर 4 थीटा से कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ कि कैसे भी आंसर आ जाना चाहिए, साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है मेरा, तो वहां पर मैं ऐसा करूं क्या करूं कि इसका आंसर, ठीक है ना, कैसे लाऊं, सोचो जल्दी से जल्दी क्या किया जाए ऐसा कि आंसर हमें मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसे तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से मैं क्या बोल दूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द कॉट स्क्वायर थीटा, यहां तक हम पहुंच चुके हैं बेटा, ठीक है। तो हम इसके बदले, ध्यान देना, जो टारगेट दिया गया था उस टारगेट को हम बुलाते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट टू द पावर 4 थीटा, तो मैं ये कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और इनके बदले एक स्टेप में आगे बढ़ जाता हूं बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पर मैं कॉट स्क्वायर थीटा ऑफ होल स्क्वायर कर देता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं मैं, ये रहा मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा ऑफ होल स्क्वायर के जगह पर मैं क्या लिखूं, ऐसा सोचकर बताएं जल्दी से जल्दी सोचकर बताएं यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा ऑफ होल स्क्वायर, ध्यान देना, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा बना और ये साइन टू दी पावर 4 थीटा बना, ध्यान से देखो क्वेश्चन में पहले से इसका वैल्यू कितना दिया है 1, देन आंसर इज अ 1, ठीक है बेटा, आंसर क्या आ गया मेरा 1, ठीक है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आया, सारे क्वेश्चन का आंसर 1 आ रहा है,
ठीक है। तो आप सब ये मत सोचना क्या नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी वन ही आएगा, ऐसा गलती से भी मत सोचना। अब क्वेश्चन नंबर हम फोर करते हैं बेटा। आप आज से जो नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 से लेकर 150 तक मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। आप कॉपी बना ले बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एक सेपरेट फिर से, ठीक है बेटा। 150 मैं संडे संडे आपको ट्रिग्नोमेट्री लेकर चलूंगा बेटा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि वीक में 3 दिन ट्रिग्नोमेट्री या 2 दिन में पढ़ाऊं और अलग टाइप का पढ़ाते चलूं बेटा। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है, ध्यान देना यहाँ लॉजिकल आंसर लाना, ठीक है ना। ये cos थीटा प्लस sin थीटा इसका रेशियो, ये रेशियो लिख रहा हूं बेटा। यहां क्या लिखा हुआ है cos थीटा माइनस का sin थीटा, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट है, √3 + 1 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसका रेशियो कितना है बेटा, √3 - 1, √3 - 1। थीटा बिलोंग कहां से कहां कर रहा है, थीटा जो बिलोंग कर रहा है 0° से लेकर 90° के क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो देन पूछा क्या है बेटा, देन फाइंड sec थीटा पूछ लिया है बेटा। ये sec थीटा का वैल्यू पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। पेन चलाओगे बेटा आंसर नहीं आएगा, दिमाग चलाना पड़ेगा बेटा आपको। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए आप, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से जल्दी बनाइए, ठीक। मैंने कुछ बोला था कल बेटा अटेंडेंस के लिए, मैं आज 100% चेक करूंगा। जो जो बच्चे बेटा कल का लेक्चर नहीं देखे हैं वो कल के ग्रुप से, जैसे अनुज राय ग्रुप से निकल जाएंगे, ठीक है। आज अनुज राय को ग्रुप से सम्मान पूर्वक बेटा बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2-3 बच्चे और टारगेट में हैं, 1-2 को मैं और निकालूंगा, आप देख लेना। ग्रुप के मेंबर से 2-3 बच्चे आज गायब हो जाएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाकर आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, ठीक है। मैं मान जाऊंगा बेटा कि आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आता है बेटा। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दिया बेटा, 2 मिनट का टाइम दिया हूं। आप सब आंसर लाइए, आंसर गौरव का आया है, गौरव का आंसर आया है 2, जो 100% गलत है बेटा। गौरव जी फिर से ट्राई कीजिए, 100% गलत है गौरव का आंसर 2। नेक्स्ट ट्राई करो बेटा आंसर लाने का। यहां पर क्वेश्चन क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा का रेशियो है cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू √3 + 1, फिर रेशियो दिया है बेटा √3 - 1, ठीक है। हाँ हमें पता है बेटा कि आप साक्षी और अंशुल एक ही आईडी से बेटा आते हो और अजय की सिस्टर एक ही आईडी से आते हो, ये सब हमको सबको पता है। कुछ बच्चे लेक्चर देखते भी हैं, जैसे उमर हुआ, उमर का भाई हुआ, ठीक है, खुशी देसाई लेक्चर देखती है बेटा पर डे उनका। ये 3 बच्चे को तो गारंटी दे रहा हूं बेटा पर डे लेक्चर देखते हैं बेटा ये सब, जिसमें अनुज राय नहीं देखते हैं, ठीक है ना, अनुज देखते ही नहीं है लेक्चर। हाँ ये रहा इनका द्विवेदी जी का, सौम्य द्विवेदी का आंसर जो है 2/√3, सौम्य द्विवेदी का आंसर राइट आ गया बेटा, सही है सौम्य जी, गुड। देखें ध्यान से गिवन क्या दिया हुआ है, इसको लिखें आप इस क्वेश्चन को, ये cos थीटा प्लस का sin थीटा है, रेशियो का मतलब ये डिवाइड ऐसे लिख सकता हूं मैं। यहां देखें बेटा ये cos थीटा माइनस का sin थीटा है और ये किसके इक्विवेलेंट है, देखें ध्यान से √3 + 1/√3 - 1 के बराबर। अब देखिए ध्यान से हम यहां पर क्या करें, ये cos थीटा ये प्लस का sin थीटा डिवाइड बाय यहां पर क्या है बेटा cos थीटा माइनस sin थीटा, अगर ऊपर नीचे 2 से डिवाइड मार दूंगा तो इनके फैमिली में कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा, समान चीज से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, ओके। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ध्यान देना ये cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय ये क्या है बेटा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये स्कूल लेवल पर आज का जो क्लास हो रहा है कोई भी क्वेश्चन स्कूल लेवल पर नहीं आता है, कहीं नहीं कहीं पूछा गया क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, वही मैं आपके सामने में लाया हूं बेटा। ठीक है, अलग अलग मैं डिवाइड कर दिया, अलग अलग मैंने क्या कर दिया बेटा, डिवाइड रूट थ्री प्लस वन, ये वन बाय टू, और यहां से क्या हुआ रूट थ्री बाय टू, और ये माइनस वन बाय टू। देखो कंपेयर करते हैं, यहां से इस कॉस थीटा को इससे कंपेयर करवाओ, और ये साइन थीटा से इस साइन थीटा को इससे कंपेयर करवाओ। देखो तो ये कॉस थीटा इज इक्वल रूट थ्री बाय टू, 100% यहां पर ये कितना होगा, ये कॉस 30 डिग्री होगा। ठीक है, यहां भी हम देखें वही रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला, अगर थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री पुट करते हैं, थीटा के जगह पर 30 डिग्री पुट करते हैं तभी ये पॉसिबल यहां रूट थ्री बाय टू होगा, और साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री पुट करते हैं तभी यहां पॉसिबल है वन बाय टू होगा। तो हमें यहां से क्या मिला कि थीटा जो होगा, क्या थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी ये जो रिलेशन है तभी वो क्या होगा फुलफिल होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। ओके समझ में आया, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हुआ, थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट कर दो तो सेक थीटा यहां जैसे पुट करोगे सेक, और ये रहा 30 डिग्री, तो यहां से 2 बाय रूट 3 आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये कंप्यूटर लेवल का क्वेश्चन था, ध्यान से कीजिएगा। चलिए आदित्य झा जी का भी आंसर आया है, गुड। ओम सिंह जी का भी, यानी आदित्य का भी आया, आदित्य सिंह का भी आया, आदित्य झा का भी आंसर आया है, आदित्य राजपूत का भी आंसर आया है। हाँ बेटा रेशनलाइज कर भी कर सकते हैं, मैं ऐसे कंपेयर कर सिखा दिया, रेशनलाइज कर भी आंसर ला सकते हैं, तो टेंशन नहीं है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, थिंकिंग, बहुत सारे यहाँ पर मेथड है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरे मेथड को ही आप फॉलो करो, आपका अगर दिमाग चल रहा है दूसरे डायरेक्शन में उसको भी फॉलो करो, और मेरे भी मेथड को फॉलो कर लिया करो। ठीक है बेटा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरे मेथड को ही, मेरे मेथड से ही आंसर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल मेथड से भी बेटा आंसर आता है, जितना सोचोगे उतने मेथड आपके सामने में आएंगे अगर कमांड है तो। ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर फाइव अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग चलाओगे आंसर आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 एंड टेन अल्फा इज इक्वल टू 15/8। ठीक है ना, देन फाइंड कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फाइव सामने में है, आपको क्या दिया है बेटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 टेन अल्फा इज इक्वल टू 15/8 देन फाइंड कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। फास्ट 30 सेकेंड का टाइम है बेटा आपके पास, जितना स्पीड से आंसर ला सकते हो, मैं समझूंगा कि आ रहा है। ठीक है बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर लाने का ट्राई करो फास्ट, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं, लगभग 20 क्वेश्चन सारे करवाना है हमको। ठीक है, और भाग मत जाना, जब तक मैं क्लास लेता रहा हूं तब तक प्रेजेंट रहना, एक घंटे तक का बेटा अभी क्लास में लूंगा, 7 to 8 o'clock लूंगा, मिस्टर का क्लास 8 बजे तक है बेटा। ठीक है, 8/17 अच्छा बेटा, कॉस थीटा प्लस अल्फा 8/17, गौरव बहुत पिटाई खाओगे बेटा, कुछ भी लिख देते हो। नेक्स्ट, मैं 5 स्टूडेंट का वेट कर रहा हूं, जिसको जिसको ला सकते हो जो आंसर बेटा जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें, एक गौरव आ चुका है। नेक्स्ट 17/15 यानी आदित्य सिंह का आंसर 17/15 रॉन्ग, दो आंसर गलत हो चुका है बेटा, दो स्टूडेंट ने ट्राई किया आंसर गलत हो चुका है। इसके बाद इसी का मिश्रा, इनका भी आंसर गलत है बेटा, 3 स्टूडेंट आंसर गलत है बेटा। बेटा मैं पहले ही बोला हूं, जो संडे का क्लास लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा हर संडे वीकली, समझे ना, वो क्वेश्चन आपसे बेटा नहीं बनेंगे क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये फिक्स ही कर लो कि संडे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे 5-7 संडे पढ़ना पड़ेगा तब आएगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, 3 स्टूडेंट ही आए हैं, गौरव आदित्य सिंह इसी का मिश्रा, जल्दी बेटा नेक्स्ट, और कोई नहीं हो, फास्ट
सो गए क्या रे, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं आएगा और मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं बेटा, इसके बाद मैं बना दूंगा। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकेंड का टाइम है, फास्ट। अच्छा अनमोल जी, 299/136, 101% गलत, सारे बच्चे का आंसर गलत आ रहा है, यही बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो आप। सोचना है, पेन चलाना ही नहीं है, आप दे धनादन स्टार्ट कर दिए होगे बेटा, थोड़ा दिमाग भी चला लिया करो, थोड़ा सा भगवान ने दिया है। सबका आंसर गलत है, एक बगल सर और बच्चे एक दो बार, कोई भी नहीं हो अब जिसका आंसर आ रहा है। देखो मैं आंसर जैसे लाऊंगा आप पछताना स्टार्ट कर दोगे, अरे सर ये भी होता है, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये ए, ये बी और ये सी, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये इस एंगल को मान लो थीटा, ठीक है, ओके, ये थीटा, तो देख ध्यान से, इस साइन थीटा इज इक्वल टू द कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं यहां से बोल सकता हूं गिवन कितना है, 8/17 इज इक्वल टू पी बाय एच। तो ये थीटा है, एक्यूट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 8 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 7, ठीक है। इस पे चर्चा हो चुका है, जो पहला हमें हिंट मिला था उससे मैं कुछ ना कुछ डाटा से उसको क्या किया बेटा, ट्रायंगल पर प्लॉट कर दिया। अब देखो उस दूसरे जो डाटा दिए हैं उसके पास हम पहुंचे, tan alpha इज इक्वल टू 15/8, ठीक है। तो tan alpha क्या होता है बेटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से क्या मिला, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं अच्छा ये 15 परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। अच्छा तो ये थीटा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 और ये देखो बेस की तरह काम करेगा, ये अगर एक्यूट एंगल लेकर चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अच्छा दिखाई दे दिया बेटा। अब देख ध्यान से, इस ट्रायंगल पर हम चलते तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हमें पता है यहां पर क्या, थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। लो आंसर आ गया बेटा, जीरो लेवल क्वेश्चन, थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। तो cos 90 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो cos 90 कितना होगा बेटा, 0। आंसर कितना आया, 0, ठीक है, आंसर कितना आया बेटा, 0। सारे के सारे बच्चे बेटा बोल्ड हो गए इस क्वेश्चन में, आ गया समझ में, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से एक क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, वेलकम करेगा बेटा आपका क्वेश्चन अच्छे से बेटा, जल्दी से जल्दी बनाइए, फास्ट कमेंट कीजिए, आ गया समझ में, आ गया लॉजिक, अरे बोल दो जल्दी से जल्दी बोलो, अरे लॉजिक समझ में आ गया या नहीं आया। हाँ बेटा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये, अभी भी साक्षी का आंसर आ रहा है 23/17, इसको तो पिटाई की जरूरत है भैया, मैंने आंसर ला दिया तब भी 23/17 आंसर ला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। मैं तो पहले ही बोला हूं ट्रिग्नोमेट्री में भी जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है बेटा, अभी आपको ग्रुप में स्कूल वाले के बच्चे के ग्रुप में सब सारे चैप्टर में बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन अभी रुका हुआ है, मैं सारे लॉजिकल क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, ठीक है, सारे लॉजिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस बार आप बना दोगे, हमें उम्मीद है कि आप बनाओगे, ठीक है, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। ये रहा 2 sin theta + 15 cos² theta = 7, find cot theta, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाँ बेटा दिमाग की जरूरत है, हाँ बादाम खाया करो, दिमाग की जरूरत है, ठीक है,
डेली डेली। कल तो बेटा टेंथ का रिजल्ट भी है, देखिए क्या होता है। कल एमपी बोर्ड वाले का रिजल्ट है बेटा, कल 50-50 चांस रहेगा क्लास होने का और नहीं भी हो सकता है क्लास, ठीक है। कल के कल का रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। हो सकता है क्लास कैंसिल होगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सब अपने एपिकल वाले एप्लीकेशन पर जाकर रिकॉर्डिंग क्लास कल देखोगे, बट क्लास होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में मैं कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का ही क्लास डाल दूं आपके ऐप पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाने का थोड़ा सा कष्ट करें आप, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 बनाने का कष्ट करें बेटा, जल्दी से जल्दी। देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। गिवन, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, घबरा मत जाना। ये 7 है। अब यहां इस टाइप के क्वेश्चन में हमको ध्यान देना पड़ता है। अब ये देख, इस साइन थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन एनालाइज हुआ। अच्छा, तो यहां हम कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक ग्रुप में हम लाने का ट्राई करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे माइंड में एक ही बात चलना चाहिए, क्या चलेगा। अच्छा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। करेंगे तो रूट में आएगा, एक और टेंशन वाला बात हो जाएगा। तो टेंशन से बचना है तो हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करवा देते हैं साइन में, यानी एक ग्रुप में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। चलिए एक ग्रुप में हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान देना। तो ये क्या बना, ये मेरा 2 साइन थीटा, और यहां से ये क्या बना 15, और इनके बदले में ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। अब देखो बेटा ध्यान से, ये बना मेरा 2 साइन थीटा, और ये कितना बना, ये 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो इस वाले को सबको मैं उस साइड भेज देता हूं, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू कितना मैं लिख दू बेटा, उधर जाएगा तो देखें ये बन जाएगा 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये प्लस का 7 माइनस 15। अब सही करके लिख लूंगा तो इसे क्या हिसाब देखने को मिलेगा बेटा, ये 15 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन थीटा, तो यहां से ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, यहां तक आ चुका है। अब कहानी क्या हुआ, अब देखो, ठीक है। तो यहां पर क्या कहानी मिला, अब फैक्टराइजेशन हमको करना पड़ेगा। तो देख बेटा 15 मल्टीप्लाई बाय ऐसा 15 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 120 होगा, तो हम इसे कैसे ब्रेक करें, तो हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से ये बनेगा 15 साइन स्क्वायर थीटा, और इन्हें बना दिए 12 साइन थीटा प्लस का 10 साइन थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां से क्या करेंगे सोचो, ठीक है। तो यहां पर ये 15 है, ये 12 है, यहां पर कोई नाता रिश्ता, यहां पर ऐसा नहीं कि कॉमन ले सकूं, बट साइन दोनों ग्रुप में है, तो मैंने क्या किया बेटा, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां बना 5 साइन थीटा माइनस का 12। और इस दोनों में देखो ध्यान से, इस दोनों में अगर ऐसा करूंगा, एक मिनट, अगर मैं कॉमन यहां से लू तो आंसर पर प्रॉब्लम होगा। देखें ध्यान से, फैक्टराइजेशन में चेंजिंग करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, सोचो बेटा, रुक जाओ यहां पर आने के बाद रुको, ठीक है। ध्यान से देख लो एक बार, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आंसर भी आ गया बेटा किसी बच्चे का, 1/√3 आंसर आ चुका है, 1/√3 आंसर आ चुका है कुछ बच्चों का। ये कैसे लाए, थोड़ा सा बताने का कष्ट करोगे, कुछ ना कुछ यहां पर आपका सिली मिस्टेक हुआ है साइन में। देखें बेटा फास्ट, ये 15 बना, ये 2 बना, ये माइनस का 8 बना, ठीक है। तो 120 बन चुका है यहां पर,
तो मैं इसे तोड़ूंगा, सही तो गया जा रहा था, मैं इसे तोड़ देता हूं, कैसे देखिए, सही था बेटा अपना ये 15 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से ये प्लस का 2 प्लस का यहां पर क्या कर दूं मैं 10 साइन थीटा, इसको इस साइड रखो और 12 साइन थीटा को इधर रखो, ये माइनस 8 कॉमन लेने में आसान पड़ जाए, आसानी हो जाएगा बेटा। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं 5 साइन थीटा, जैसे 5 साइन थीटा लूंगा तो यहां क्या बनेगा 3 साइन थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस का 2 साइन थीटा नहीं बनेगा, ओनली प्लस का 2, और यहां से माइनस 4 कॉमन ले लिए, जैसे माइनस 4 कॉमन लिए तो यहां से बनेगा 3 साइन थीटा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, जब मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा देखो ध्यान से कि क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस का 2, और यहां से क्या बना 5 साइन थीटा माइनस का 4, 5 साइन थीटा माइनस का 4 इज इक्वल टू द 0। दो केस बनाइए, केस नंबर फर्स्ट में क्या करोगे, यहां पर 3 साइन थीटा इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन यहां से क्या मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये मिल चुका है। और उधर से केस नंबर सेकेंड बनाएंगे, ये बनेगा 5 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब यहां से कॉट आराम से निकल सकता है, दोनों के लिए कॉट का वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, आराम से निकाल सकते हो, कैसे, यहां से p इज इक्वल टू माइनस 2 और यहां से h इज इक्वल टू 3 है, तो b निकाल लो, b इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट के साथ, जब b निकल जाएगा तो हम cot थीटा निकाल सकते हैं, p बाय ये b बाय p से cot थीटा निकाल लेंगे। उसी तरह से यहां p इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 5, देन b निकाल लेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही जो भी b का वैल्यू निकलेगा फिर cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आंसर 2-2 आएगा। कोई डाउट हो प्लीज संपर्क करें, ठीक है। हाँ बेटा उस मेथड से भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले गौरव, मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं, ठीक है। खाना खाते हो बेटा, हाथ से भी खाते हो और चम्मच से भी खाते हो, ठीक है। अब बोलोगे सर आप हाथ से खाना खाते हो, आप गलत मेथड है खाना खाने का, ऐसा कहीं लिखा हुआ है बेटा क्या? तो ये मेथड में कितने बार बोलूं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फिक्स मेथड नहीं है, अलग अलग मेथड से भी गौरव जी कर सकते हैं, ठीक है। बट आप मान ही नहीं रहे हो तो क्या किया जाए बेटा, अब मान लो बेटा थोड़ा सा, कभी कभी मेरा बात भी मान लो, कभी कभी माना करो, डेली मत माना कर, जब मन करे थोड़ा सा मान लिया करो, नहीं यार सर का बात मानना जरूरी है तो मान लिया करो, नहीं मन करे मत मानो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, चलो आगे रिप्लाई कर दे, थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई कर दे, हाँ सर आगे चलिए, अरे रिप्लाई करो फास्ट, तुम सब बेटा बहुत स्लो स्लो चलते हो, जवाब भी नहीं मिलता है, आराम आराम से चलते हो, रहीस हो गए बेटा लॉकडाउन में, आप सब बोलते ही नहीं हो कुछ, हमको लगता है मोबाइल चलाकर सो जाता है क्या रे, हाँ हमको तो ऐसा ही फील होता है कि मोबाइल चला दिए आराम से, एक नींद पूरा कर लिए, माँ बाप मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर एक घंटे के बाद नींद पूरा हुआ, ठीक है। ऐसा तो कर्म नहीं कर रहे हो ना आप सब, गद्दारी मत किया कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 वेट कर रहा है, देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाइएगा। इफ आपको दिया है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/3, फाइंड साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा,
इसका वैल्यू निकालना है बेटा। ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस फॉर्मेट को मैं आपको डिफरेंट टाइप मेथड, डिफरेंट मेथड से बताऊंगा। सिक्सटीन पर पहुंच गए बेटा, 20 से चार बच्चे गायब। क्वेश्चन नंबर सेवन। चलिए गौरव जी, पुराने बात को भूलकर आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से जल्दी बनाइए क्वेश्चन नंबर सेवन। ये क्या लिखा है अनमोल, 22 16 ये क्या लिखा भाई, इस टाइप का आंसर कैसे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है बेटा वो, ये कैसा आंसर लिखा है। फर्स्ट बहुत पिटाई खाएगा, मैं स्टूडेंट बोलूंगा तुम भी बोलोगे 22 16, हमको लग जाता है आंसर आ गया, कुछ भी बोलते रहते हो, जल्दी आंसर दो, आंसर मांग रहा हूं, आंसर नहीं दे रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो भैया बैठकर आप, जल्दी करो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर लाइए। और मैं करवाया भी हूं YouTube पर, जो लेक्चर है वहां पर भी एक क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी याद हो तो YouTube के लेक्चर पर ये अवेलेबल है। मैं दो तीन मेथड से बता देता हूं इस क्वेश्चन को, पहले स्कूल लेवल पर कभी भी लाइफ में आ जाए ये क्वेश्चन तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 17/13, ये इसे मान ले इक्वेशन नंबर वन मान ले, और इसके बाद सेकेंड जो दिया गया है sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू x मान लो, और लेट और इसे क्या बोलो कि तू इक्वेशन नंबर टू है, ठीक है। याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा होगा बेटा आप सबको अब, ठीक है, ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर वन का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर टू के साथ ऐड कर दिए तो एलएचएस वाला एलएचएस के साथ ऐड होगा, आरएचएस वाला आरएचएस के साथ ऐड होगा, तो हमें क्या देखने को मिला, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस यहां पर क्या देखने को मिला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर, और यहां क्या देखने को मिला, 17/13 ऑफ होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर। देन यहां से देखो, जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin θ into cos θ, और यहां बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin θ into cos θ इज इक्वल टू 289/169, ठीक है, और प्लस का एक्स स्क्वायर एक ही, ठीक है, यहां से ये दोनों चला गया बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, ये क्या दे देगा वन, ये क्या दे देगा वन, गुड, ये दे दिया वन, ये दे दिया वन, तो उधर क्या दिया 289/169 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहां से क्या मिला, सॉल्व कर सकते हो आप सब बहादुर बच्चे हो बेटा, जल्दी जल्दी बताओ, ये कितना मिला 1+1 2, और इधर कितना, ये कितना बन गया 2, और यहाँ 289/169 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 289/169, इसे सॉल्व करें और आंसर लाएं। बोलोगे सर इसे सॉल्व आप करो तो नामुमकिन है बेटा, आप करोगे ये, क्या लिखे बेटा,
हाँ बेटा मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, अभी आपका नींद टूट रहा है। हाँ 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 करवाया बेटा, बाकी बच्चे कहाँ आंसर लाए, बाकी बच्चे आंसर तब भी नहीं ला पाए बेटा। पढ़ाई पर ध्यान दे दें, पढ़ाई पर प्लीज ध्यान दे दें, आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ाई पर ध्यान दे दें, ठीक है। इसका आप शॉर्ट ट्रिक देख लें, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लें, जब भी कहानी ऐसा मिले, जब भी कहानी आपको ऐसा मिले, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी इस फॉर्मेट में प्लस वाला दिया हो और माइनस वाला पूछ लिया हो, ठीक है ना, प्लस वाला दिया हो और माइनस वाला पूछ लिया हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अंडर रूट लगाओ। और इस ये मान लो क्या, ये मान लो एक्स है, ये मान लो कि यहां पर कुछ भी है, यहां पर मान लो कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, इसे मैंने कंसीडर कर लिया कि एक्स है, तो फॉर्मूला बन गया मेरा, मेरा फॉर्मूला बन गया टू माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा मेरा, एक मिनट में आंसर ला सकते हैं यहां से भी, ठीक है। और दूसरा मेथड है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस चेक भी कर आंसर ला सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, सॉरी 7 कंप्लीट। जल्दी से जल्दी बोलें, ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ चुका है आपको। 17/13 की जगह पर मैंने x कंसीडर किया, कोई भी होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वहां से बेटा आंसर आ जाएगा। जल्दी रिपीट करें, मैं चलूं आगे। अरे बोल दो फास्ट, चलूं आगे। यस सर, ये झाजी बोल तुरंत रिप्लाई देते हैं बेटा, आप सब रिप्लाई नहीं देते हो, ठीक है, वो 2 मिनट में रिप्लाई दे देते हैं, हाँ सर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, बट आप सब आंसर का रिप्लाई नहीं देते हो। लॉजिकल, हाँ लॉजिकल भी लेकर चल सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में टाइम कम मिलता है बेटा, इसे नोट कर लिख लें, कॉपी पर लिखें इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ। मैं अगले नेक्स्ट संडे में बहुत सारे ट्रिक सिखाऊंगा इस चैप्टर से, फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रिक सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। ध्यान देना, ये रहा मेरा ट्रायंगल, ठीक है, ये एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी, ये मेरा सी, ये रहा और ये रहा डी, ठीक है। ये एंगल कितना है मेरा 100 डिग्री है, ये एंगल मेरा कितना है x डिग्री है, ये एंगल मेरा y डिग्री है, ये एंगल भी मेरा कितना y डिग्री है, और ये मेरा है 2x, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है। तो क्या बोला गया, फाइंड, तो बोला गया है फाइंड साइन y डिग्री इंटू टेन y डिग्री, साइन y डिग्री इंटू टेन y डिग्री इज इक्वल टू प्लस सेक y डिग्री, ये इसका वैल्यू बोला है फाइंड करने के लिए, साइन y डिग्री एंड टेन y डिग्री प्लस सेक y डिग्री, ये फाइंड करने के लिए बोला गया है बेटा, ठीक है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर लाइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर लाइए। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल क्या ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ध्यान देना, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, अभी ट्रायंगल हम पढ़े नहीं है, ये मेरा ए बी सी, ठीक है, अगर मान ले ये एंगल, मान ले कि अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है मेरे इंटीरियर एंगल है, ठीक है, और ये दोनों क्या है इंटीरियर एंगल है, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है बेटा, तो दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है बेटा, ये चीज कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए, इसे नोट कर लिख लें जल्दी से जल्दी, इसे नोट कर लिख लें जल्दी से जल्दी, इसे नोट करें और लिखें साइड में, जल्दी इसका वैल्यू निकालकर बताएं बेटा क्या होगा, जल्दी से जल्दी इसका वैल्यू बताएं, सेक वाई डिग्री और इंटू टेन वाई डिग्री प्लस सेक वाई डिग्री, ये पहले साइन वाई डिग्री इंटू टेन वाई डिग्री प्लस सेक वाई डिग्री का वैल्यू पूछा है, सेक वाई डिग्री का वैल्यू पूछा है,
जल्दी से जल्दी इसका आंसर लाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लाएं। 1 कैसे देखें ध्यान से, जिस बच्चे ने आंसर लाया 1 तो उसे थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि बेटा आंसर हमें याद नहीं है, सॉल्व कर देता हूं मैं। देख ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल में चलूं ट्रायंगल ध्यान देना, इन ट्रायंगल एबीसी में चलूं, तो देख ये दोनों क्या है, मेरे इंटीरियर एंगल है और ये क्या है इसके एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, 2x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, यहां से ये लिख लूंगा मैं, यस या नो, ठीक है। और फिर दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया, इन ट्रायंगल एसीडी, ये देख ध्यान देना, ये मेरा कितना 100 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 180, सॉरी ये पूरा लीनियर पेयर एंगल होगा, ये मेरा 100 डिग्री है, तो ये डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये इंटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल एसीडी के लिए, ये x और ये y, तो x plus y is equal to कितना, x plus y is equal to 80 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, x एंड y का वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को घटा दिए, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिए बेटा, तो यहां से मिला ये दिस, तो यहां से क्या मिला, x minus y is equal to 80, y से y सही हो गया भैया, तो यहां से 3x और ये कितना 180, देन x is equal to कितना 180 डिवाइड बाय 3, देन x इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को याद करो, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री, देन यहां से कितना हो जाएगा बेटा 60 प्लस y इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन यहां से कितना y इज इक्वल टू 20 डिग्री आ रहा है यार, y इज इक्वल टू 20 डिग्री आ रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा मेरा, तो यहां 20 डिग्री आ रहा है। आप सब किस प्रकार से आंसर लाए हो भाई, थोड़ा सा हमें हिंट दोगे, ये 20 डिग्री का क्या कर दिए तुम सब, इसमें राइट एंगल नहीं बन रहा है। y 60 कैसे आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 180, वैल्यू इसमें नहीं आएगा, कुछ ना कुछ डाटा इनकरेक्ट है, ठीक है, इसका वैल्यू 20 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो कैसे लाऊं सोचो, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसे हम कैसे इस प्रॉब्लम से निवार कैसे लाऊं, एक मिनट आप वेट करें, ठीक है, x का वैल्यू निकल चुका है, तो ये 20 डिग्री है, तो इसमें क्या करोगे, वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, साइन y डिग्री है इनटू ये कितना है मेरा 10y डिग्री प्लस का sec y डिग्री है, तो वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर यहां पर नहीं आएगा, इसमें कुछ ना कुछ हमको मिस्टेक लग रहा है बेटा, ठीक है, परफेक्ट आंसर आएगा नहीं। y कैसे, किसका 60 आ रहा है बेटा, y किसका 60 आ रहा है, प्लीज हमें रिप्लाई करें, y किसका 60 डिग्री आ रहा है, आपने साइन चेंज नहीं किया, हाँ गुड, ये देखो हर्ष ने बता दिया बेटा, मैं सब्ट्रैक्शन ही गलत कर दिया था यहां पर, ये अपने हर्ष भैया ने बताया कि सर आपने सब्ट्रैक्शन गलत किया है, ठीक है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 80, ये सब्ट्रैक्ट y से y कैंसल, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो x प्लस y इज इक्वल टू 80 है,
तो हम जैसे पुट करेंगे यहां पर ये 20 प्लस y ये 80 देन y इज इक्वल टू 60 डिग्री बन गया, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आराम से हम बना सकते हैं यहां पर साइन 60 और यहां पर टेन 60 और यहां पर सेक 60, तो यहां से कितना रूट थ्री बाय टू, इसके बाद टेन 60 तो रूट थ्री और सेक 60 कितना होता है मेरा 2, तो यहां से कितना हो गया सेक 60 कितना 2 हो गया, तो 3 बाय टू प्लस 2 देन यहां से 3 प्लस 6 बाय 3 प्लस ये 2 4 बाय 2 तो 7 बाय 2 आंसर आया बेटा। देखो तो सही है क्या, 7 बाय 2 आंसर मेरा आ रहा है, 7 बाय 2 आंसर आ रहा है मेरा, ध्यान दीजिएगा ठीक है ना। ठीक है 7 बाय 2 आंसर आ रहा है, ध्यान से ध्यान दो बेटा यहां पर आप। अच्छा खुशी ने बताया है, मैंने देखा नहीं था बेटा कमेंट, सर आपने साइन चेंज नहीं किया है, चलिए गुड, हाँ वो मिस्टेक था मैंने सही कर दिया, आंसर 7 बाय 2 आ रहा है, देख लें साइन 60 रूट 3 बाय 2 टेन 60 रूट 3 तो वहां से 3 बाय 2 3 बाय 2 2 एलसीएम लेंगे 4 तो 7 बाय आपका 2 आंसर है। ठीक है ठीक है गुड खुशी सही है बेटा, इसी तरह से बनाते रहिए, क्वेश्चन आ गया सबको समझ में, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या देखा, ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट आ गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट आ गया एंड ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट आ गया, एक ही चैप्टर में एक ही क्वेश्चन में तीन तीन कॉन्सेप्ट आपके सामने में आ गया। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें बेटा ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं तैयार हो जाए नाइन देखने के लिए। Then value of sin x and cos y, इसका वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखता हूं कितने बच्चे से ये आंसर आएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन का कितने बच्चे से इसका आंसर आ रहा है, प्लीज जल्दी से जल्दी हमें बताएं, जल्दी से जल्दी ध्यान दें क्वेश्चन नंबर नाइन कैसे बनेगा, ध्यान देना दोनों ग्रुप को इस साइड बुला लो, इस दोनों ग्रुप को ये ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर टू को इस साइड बुलाइए। ठीक है ध्यान देना, इसे आप कंसीडर कर लो ए और बी कंसीडर कर लो, इसे कंसीडर कर लो साइन एक्स को कुछ देर के लिए ए कंसीडर कर लो और कॉस वाई को बी सपोज कर लो, तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो टू ए प्लस बी और यहां पर इस वन के बदले मैं टू द पावर जीरो लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं कुछ बच्चे बोले, क्यों हमें पता है कि कॉन्स्टेंट पर पावर जब हम जीरो करते हैं ये वन के बराबर होता है। ठीक है तो आपको यहां से क्या मिला बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो यहां से मिल गया और मैंने बोला अच्छा ऐसा बात है इक्वेशन नंबर वन। अब देखो ध्यान से इसको मैंने क्या सपोज किया था, ये 16 है साइन एक्स को मैं a सपोज किया हूं तो a टू ये क्या बन गया a स्क्वायर और ये b स्क्वायर और मैं इसे कैसे लिखूं, ये मेरा क्या है 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूं 16 पर पावर 1 बाय 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूं, ये 1 16 पर पावर 1 बाय 2 का मतलब क्या हुआ अंडर रूट 16
यानी यही होता है ना, क्योंकि रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री पावर में क्या बोलता हूं, वन बाय टू बोलता हूं, तो मैं यहां पर क्या लिख दिया, 16 द पावर 1 बाय टू कर दिया, 16 द पावर क्या कर दिया 1 बाय टू, एंड कंपेयरिंग बोथ साइड किया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया मेरा 1 बाय टू। अब देख ध्यान से, अगर मैं यहां पर थोड़ा भी चेंजिंग करूं तो ए इज इक्वल टू माइनस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां वैल्यू पुट कर दिया, क्या वैल्यू पुट कर दिया ए के जगह पर माइनस का बी, तो यहां से बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा बेटा 1 बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से कितना, ये मेरा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, देन यहां से क्या लिखूं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4, देन b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 4, जैसे यहां से वेरिएबल से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 1 बाय 2 आएगा, प्लस माइनस 1 बाय 2 आएगा। तो a का वैल्यू कितना माइनस b है, तो मैं प्लस माइनस के साथ वैल्यू पुट करूंगा, प्लस माइनस 1 बाय 2, देन a कितना आ जाएगा साइन उल्टा माइनस प्लस 1 बाय 2, ये मेरा आंसर है। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है मेरा, ये मेरा साइन एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाय 2 और ये कॉस वाई का वैल्यू, ये मेरा आंसर हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी हमें बताएं। हाँ सर, ये का आंसर ध्यान देना, ये क्वेश्चन सामने में था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन हम एक कुछ कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप सब बेटा वो सारे चीज याद रखिएगा जब नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। एक टेबल बना लें आप, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में रखना, मैं सारा वैल्यू आपका एक बगल से लिख रहा हूं, देखो ध्यान से 3, 4, 5 ये सारे दिमाग में चल रखना, कुछ दिनों में ये डायरेक्ट आप याद कर लेना, कुछ दिनों में बेटा ये डायरेक्ट आप क्या कर लेना बेटा, याद कर ही लेना, ठीक है। धीरे धीरे आपका ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट आपके दिमाग में चलना चाहिए सबके सब, ठीक है। देखते ही आपको पता चलेगा कहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, कहाँ नहीं राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में। कुछ दिनों का टाइम है, यानी नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट यानी संडे आते आते आपके दिमाग में ये सारे चीज सेट हो जाना चाहिए। तो इसके बाद इस टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे, तो शॉर्ट ट्रिक के लिए ये सारे चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। देखो ना पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर, इस दोनों का स्क्वायर इसके बराबर, इस दोनों का स्क्वायर इसके बराबर, इस दोनों का स्क्वायर इसके बराबर है, ठीक है। उसी तरह से सारे के सारे आपके दिमाग में रहना चाहिए बेटा, ठीक है। 13, 84 और ये 85, ठीक है। ये मेरा 16 और ये मेरा 63 एंड 65। इसके बाद ये 10 नंबर में ये मेरा 20, 21 एंड 29। इसके बाद 11 नंबर 28, 45 एंड 53। इसके बाद 12 नंबर, ध्यान देना 12 नंबर में मेरा क्या है, ध्यान देना ये मेरा 33, ये 56 एंड 65, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर में ये 36 एंड 77 एंड 85, ठीक है। और ये मेरा 14 नंबर, ध्यान देना 39, 80 एंड 89, ठीक है, ओके। ये चीज आपको याद रखना है बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए, ये सारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद रखना है बेटा। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन चला जाएगा बेटा, ठीक है। मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन जाएगा, ये याद रख लीजिएगा बेटा जल्दी से जल्दी, ये क्वेश्चन ये याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, आप बनाकर रखिएगा एक क्वेश्चन और, ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं दे देना चाहता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में क्लास के बाद। ये क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए बेटा, घर में बैठे बैठे बोर हो जाओ तो बना लेना, 3 sin beta + 5 cos beta, 5 cos beta = 5, देन
देन द वैल्यू ऑफ 3 cos बीटा माइनस 5 sin बीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्वेश्चन बनाना है आपको बेटा एक, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाना है, इफ थीटा, ये थीटा जो है बेटा एक्यूट एंगल है, इसका मतलब थीटा क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल को बता रहा है, आपको फाइंड करना है। एंड डाटा दिया है बेटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां से साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, इस क्वेश्चन का, ये दोनों क्वेश्चन आप बेटा बनाकर रखिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक में ये क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए बेटा, ठीक है ठीक है। अब कुछ बच्चों को बेटा डाउट होता है, सर ये मेथड हम वहां पढ़े थे यूट्यूब पर, मैंने वहां पढ़ा था बेटा, मैथ्स में एक मेथड एक टीचर का बेटा पार्टिकुलर मेथड नहीं होता है, वो कोई भी टीचर बेटा यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा अब ये जो है ना बेटा, ये सब माइंड से निकल कर बातें क्या करें आप, ठीक है। यूट्यूब पर एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले, सर ऐसे ऐसे ये मेथड मैंने वहां से देखा था बेटा, मैथ्स में मेथड ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, एक टीचर बोल दिया तो दूसरा टीचर ए प्लस दूसरा बोलेगा बेटा, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बोलेगा या दूसरा चीज बोलेगा बेटा, ये दिमाग में लेकर चला करें आप सब, ठीक है। चलिए।